हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस शेयर के ऊपर। अगर हम लोग इस स्टॉक में बात करेंगे, इस स्टॉक में वंस अगेन हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर इस वीक में देखने को मिल रहा है। 244 के लेवल से इस स्टॉक में वापस से एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिला। यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है जो स्टॉक में एक अपर वीक रिजेक्शन है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है जो इस कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन आपको किस लेवल पे हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लियरली हम लोगों को देखने में आ रहा है जो स्टॉक अपने एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर बात करेंगे 230 to 250, ये इस स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे 2019 में यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद वापस से रीटेस्ट किया, अगेन यहाँ पे हम लोगों को एक शार्प सेलिंग देखने को मिला, वापस से अगेन इसी जोन से हम लोगों को सेलिंग देखने को मिला। वापस से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सितंबर मंथ में अगेन इसी लेवल से फॉल हुआ था और वापस अगेन सेम लेवल पे आपको स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये लेवल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। लेकिन एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है, कंटिन्यूसली स्टॉक जो है लास्ट 3 ईयर में इस लेवल को मल्टीपल टाइम्स हिट कर रहा है। तो किसी भी लेवल्स को अगर स्टॉक मल्टीपल टाइम हिट करता है तो वो आपको वीक हो जाता है और वहां पर ब्रेकआउट होने का चांस जो है आपको काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे तो इस स्टॉक में नीचे की साइड से आपको क्लियरली एक यहां पे ट्रेंड लाइन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अगर स्टॉक यहां पे फॉल बैक भी होता है तो स्टॉक को एक अच्छा सपोर्ट यहां पे मिल सकता है। स्टॉक वापस से इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेने के बाद बाउंस कर सकता है और अगेन स्लो एंड स्टडी इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपको इस स्टॉक में मेन मोमेंटम होगा 250 के लेवल के ऊपर। 250 के लेवल के पास स्टॉक काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो क्लियरली प्रीवियस 3 मंथ से जो है आपको दिख रहा है जो स्टॉक प्रीवियस 3 मंथ में ऑलमोस्ट 2 टाइम इस लेवल को हिट कर चुका है। तो यहाँ पे एक नीचे के लेवल से जो मोमेंटम होना चाहिए था वो मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आपने उस मोमेंटम में पार्टिसिपेट किया, वेल एंड गुड। लेकिन जो नेक्स्ट मोमेंटम इस स्टॉक में होगा वो होगा आपको 250 के लेवल के ऊपर। तो करेंट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है 200 के लेवल पे अपने पोजीशन को ऐड करने का। क्योंकि जब स्टॉक इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेना स्टार्ट करेगा उस टाइम में अगर आपको पॉजिटिव सिग्नल दिखता है ट्रेंड लाइन के पास तो आप वहां पे ऐड कर सकते हैं, जहां पे कि आपका पहला टारगेट रहेगा 250 का जोन। और अगर स्टॉक 250 के लेवल को क्रॉस कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को वापस से 300 और फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक का 325 का लेवल है। 2018 में स्टॉक ने अपना हाई लगाया था। तो जब तक आपको स्टॉक 250 के लेवल के ऊपर अपसाइड में क्रॉस नहीं करता है या फिर आपको रिट्रेस बैक करके 200 के लेवल के अराउंड आपको ट्रेंड लाइन से सपोर्ट नहीं लेता है, तब तक इस स्टॉक में जो है हम लोगों को एंट्री नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।